5 अगस्त को होगा राम मंदिर का भूमि पूजन। सूत्रों के हवाले से खबर, कार्यक्रम में शामिल होंगे, अयोध्या आएंगे प्रधानमंत्री। सुबह 8 बजे शुरू होगा भूमि पूजन का कार्यक्रम। अयोध्या में मंदिर निर्माण शुरू करने को लेकर शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने किया विरोध, कहा प्रधानमंत्री को वहां अभी नहीं जाना चाहिए, अगर वहां भूमि पूजन होगा तो मजमा लगेगा। दिल्ली में तेज बारिश में बह गया मकान, लैंडस्लाइड की तस्वीरें हुई वायरल। दिल्ली में भारी बारिश और बाढ़ के हालात के बाद लोगों के हाल बेहाल। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने 2426 लेनदारों की लिस्ट जारी की जिन्होंने जानबूझकर अपने बैंक लोन पर 14.7 खरब रुपए से ज्यादा का डिफॉल्ट किया। देश के टॉप 10 डिफॉल्टर में रोटोमैक कंपनी का मालिक विक्रम कोठारी का नाम भी शामिल। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में बारिश ने तबाही मचाई, भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। नैनीताल में घर में गुलदार के घुसने से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल, घर में घुसकर गुलदार ने कुत्ते को बनाया अपना शिकार, वन विभाग की टीम जांच में जुटी। संबल में गंगा स्नान करने गए पति पत्नी गंगा में डूबे, तट पर मौजूद लोगों ने महिला को बचाया, पति तेज भाव के चलते लापता। गोंडा के बरुआचक रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी से टकराया नील गायों का झुंड, पटरी से उतरी मालगाड़ी की बोगी, रेल यातायात बाधित। कन्नौज में दर्दनाक सड़क हादसा, बेकाबू बस ने कार को मारी टक्कर, रोड से नीचे गड्ढे में गिरी दोनों गाड़ियां, हादसे में 6 की मौत, कई घायल। लखनऊ पुलिस मुख्यालय में अब तक 6 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, पुलिस मुख्यालय के सभी विभागों के आधे स्टाफ को ही ऑफिस आने के निर्देश, अब आधे स्टाफ से होगा पुलिस मुख्यालय में काम। दिल्ली में सुबह बारिश के बाद कनॉट प्लेस इलाके में एक बस पानी में डूब गई, बिंटो रोड ब्रिज के नीचे पानी भर गया, डीटीसी की एक बस उस पानी में डूब गए, यात्रियों ड्राइवर और कंडक्टर को रेस्क्यू किया गया। बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है, लखनऊ में अलग अलग इलाकों में बारिश हुई, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। उत्तराखंड में जिला सहकारी बैंक इस फाइनेंशियल ईयर में 70 ब्रांच खोलने जा रहा है, राज्य में हाल में आए प्रवासियों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। उत्तराखंड में वीकेंड लॉकडाउन का दूसरा दिन, डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने अधिकारियों को सतर्क रहने के दिए निर्देश, आम लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की। हल्द्वानी में कुमाऊं संभाग के बीजेपी कार्यालय को 15 दिन के लिए बंद किया गया, कल बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और नैनीताल जिले के जिला अध्यक्ष की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। उत्तराखंड सरकार ने डेंगू के खिलाफ अभियान की शुरुआत की, हर रविवार 15 मिनट डेंगू पर वार नाम के इस अभियान की शुरुआत सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने आवास पर साफ सफाई के साथ की। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है, वर्चुअल रैली की तर्ज पर बीजेपी प्रदेश में कार्यक्रम की तैयारी में है, इसी को लेकर बीजेपी 20 जुलाई को समीक्षा बैठक करने जा रही है, 25 जुलाई तक चलेगा कार्यक्रम। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने चिंता जाहिर की और लोगों को नसीहत दी, लोगों को सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का पवित्र पर्व शिवरात्रि आज, सावन के महीने में भक्त सोमवार व्रत के साथ साथ सावन की शिवरात्रि का भी व्रत रखते हैं, माना जाता है शिवरात्रि के दिन भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन में बम बम भोले के जयकारों से गूंजने वाले शिव मंदिरों में भी जो है कोरोना का असर देखने को मिल रहा है, शिवरात्रि पर भी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को नहीं मिली, लखनऊ के प्रसिद्ध मुक्तेश्वर धाम मंदिर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखी। सावन में पड़ने वाली शिवरात्रि की वाराणसी में जो धूम दिखती थी उसे कोरोना काल ने फीका कर दिया, श्रद्धालुओं से भरे रहने वाली काशी में श्रद्धालु नजारा दिखे। हरिद्वार के शिवालयों में जलाभिषेक पर प्रतिबंध लगाया गया है, सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान की भी इजाजत नहीं। शिखर अग्रवाल के साथ तस्वीर वायरल होने पर बीजेपी जिलाध्यक्ष की सफाई, कहा विवाद में आए संस्था से कोई लेना देना नहीं, संस्था ने 72 घंटे के अंदर ही शिखर को महामंत्री पद से हटाया, बुलंदशहर हिंसा का आरोपी है शिखर अग्रवाल। बीजेपी जिलाध्यक्ष के शिखर अग्रवाल के साथ तस्वीर वायरल होने पर सियासत गरमाई, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा यदि ऐसे अपराधी को इस तरह का सम्मान मिलेगा यकीनन इससे हमारे पुलिस अधिकारियों का मनोबल गिरेगा। सीतापुर में नाली के विवाद को लेकर खूब चले लाठी डंडे, एक की मौत, कई लोग घायल, पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जिनमें से 4 की गिरफ्तारी भी हो गई है। मथुरा के मडौरा गांव में धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने, लालच देकर करवाया जा रहा था धर्म परिवर्तन, पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मुख्य आरोपी और उसके भतीजे को किया गिरफ्तार। कल से देश में कोरोना वैक्सीन के लिए सबसे बड़ा मानव परीक्षण, एम्स में 100 वॉलंटियर्स पर होगा टेस्ट, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बोले महामारी पर जीत हासिल करेगा भारत। असम में बाढ़ के हालात की वजह से स्थिति गंभीर बनी हुई है, अब तक 79 लोगों की मौत हो चुकी है, 47,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, काजीरंगा पार्क में 90 जानवरों की मौत हो चुकी है।
भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में युद्ध अभ्यास किया। अमेरिका पहले ही दो बार युद्ध अभ्यास कर चुका है। हिंद महासागर में जहां युद्ध अभ्यास किया गया वहां से चीन के समुद्री रास्ते जुड़े हैं। भारत सरकार ने ट्विटर को चिट्ठी लिखकर पूछा है, हाल ही में कई सम्मानित लोगों के ट्विटर हैंडल को हैक करने की जो कोशिश हुई, क्या उसका असर भारत पर पड़ा है? पिछले दिनों दुनिया की कई बड़ी हस्तियों के ट्विटर हैंडल को हैक किया गया था।